हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब रोज दो बार कोरोना संक्रमित के घर दस्तक देगी पुलिस। जोधपुर में हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत। पुलिस की नजर में होम आइसोलेट रहेगा संक्रमित। यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से उसे होम आइसोलेशन किया गया है तो वो पुलिस की नजर में घर के अंदर ही रहेगा। संबंधित थाना की पुलिस गश्त के दौरान दिन में दो बार कभी भी संक्रमित के घर होने की जांच करेगी। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन ने स्वयं पावता बी रोड स्थित संक्रमित के मकान पर चश्मा जांच प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की। पुलिस उपायुक्त पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन या क्वारंटीन के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसी के तहत जिला कलेक्टर व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह व पुलिस कमिश्नर जोस मोहन के साथ बैठक में होम आइसोलेशन वाले संक्रमित व्यक्तियों की पुलिस से निगरानी रखने की निर्णय किया गया। इसके लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू करने का निर्णय किया गया। अभियान के तहत पुलिस कमिश्नर जोस मोहन, डीसीपी धर्मेंद्र सिंह व अन्य अधिकारी पावटा बी रोड स्थित एक मकान पहुंचे, जहां एक व्यक्ति होम आइसोलेशन में है। पुलिस कमिश्नर ने मकान पर चश्मा जांच प्रपत्र पर खुद का नाम समय टिप्पणी के साथ हस्ताक्षर किए। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन का कहना है कि कोरोना संक्रमित बढ़ने के पीछे आमजन की लापरवाही सामने आई है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हमेशा घर में न रहकर बाहर निकलते हैं। बैठक में यह निर्णय किया गया था कि होम आइसोलेशन वाले संक्रमित व्यक्तियों की पुलिस आकस्मिक निगरानी कर जांच की जाएगी, ताकि ये पता लग सके कि वो घर में ही है, क्वारंटाइन नियमों की पालना कर रहा है अथवा नहीं। जोधपुर में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस कुछ एक बढ़ रहे हैं, इस बात को लेके कुछ एक जगह लापरवाही भी सामने आई कि जो पॉजिटिव लोग है वो हमेशा घर पे नहीं रहते, क्वारंटाइन का 100% पालना नहीं मानने का भी सूचना आया था। इसको देखते हुए हमारा जो लास्ट सैटरडे जो मीटिंग हुआ था उसमें ये निर्णय लिया है कि अपने जवान रैंडमली लगातार चेक करते जाएंगे, जैसे मोटरसाइकिल है अन्य साधन से वो आके इनके घर पे इनका उपस्थित है या नहीं, क्वारंटाइन का पालना किया जा रहा है या नहीं इसका चेक किया जाएगा। उसका शुरुआत आज से अच्छे तरीके से वो पालना करने का और इससे कोरोना स्प्रेड में कुछ एक हद तक नियंत्रण लाने का भी उम्मीद है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।